हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल से एंड टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। सो यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन एंड दोनों ही सेम एक्टिव्स के साथ है। यस, दिस इज द नियासिनामाइड एंड दिस इज ऑल्सो नियासिनामाइड सेरम, बट ब्रांड डिफरेंट है। ये है डॉक्टर शेट का सेंटेला एंड नियासिनामाइड सेरम एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको। दोनों के अंदर जो नियासिनामाइड की क्वांटिटी है दैट वन इज 10%। सो यस, फर्क इतना है कि इसके अंदर सेंटिल का है एंड इसके अंदर है सीका वाटर, नियासिनामाइड जिंक, वैसे जिंक इसके साथ भी है। सो एक ही फर्क है सिर्फ कि इसके अंदर सेंटिला है एंड इसके अंदर सेंटिला नहीं है। एंड दोनों प्रोडक्ट्स को मैंने अच्छे से यूज किया है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि दोनों में से अगर आप नियासिनामाइड लेना चाहते हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए। या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो यस, पहले इन दोनों की पैकेजिंग देख लेते हैं, देन मैं बताती हूं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो ये जो डॉक्टर शेट का सेंटेला एंड नियासिनामाइड सेरम है, इसकी क्वांटिटी आपको मिलेगी 30 ml एंड प्राइस है इसकी 899 rupees। एंड ये जो डर्माको का नियासिनामाइड है, इसमें 50 ml आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। बॉटल भी आप देख सकते हो, ये छोटू सी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। 50 ml क्वांटिटी के साथ ये आपको प्राइस देनी होगी 899 rupees। सो प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, क्वांटिटी का फर्क है। एंड यस, इसकी शेल्फ लाइफ के आपको 2 साल मिलती है, ये भी आपको 2 साल में यूज करना होता है। एंड बात करें इसके हीरो इंग्रेडिएंट की, सो डर्माको का जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है, दीज आर सीका वाटर, नियासिनामाइड जिंक एंड दैट्स इट। बाकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट पीछे मेंशन है। एंड इसकी जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है, दीज आर 10% नियासिनामाइड, 1% जिंक, PCA, प्रोबायोटिक ब्लेंड्स है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट है एंड सेंटेलिका एसिटिका एक्सट्रैक्ट है। सो यस, दोनों के अंदर भी, इसके अंदर भी सेंटेला है एंड इसके अंदर भी सीका, दैट मीन्स सेंटेला ही होता है। सो दोनों के अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स है, जिंक नियासिनामाइड एंड सीका, एंड इसके अंदर भी जिंक नियासिनामाइड एंड सीका, दोनों की ही क्वांटिटी सेम है। बट अभी दोनों में से कौन सा अच्छा है ये आपको चूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। सो पहले बात करते हैं डर्माको से रिलेटेड। सो डर्माको की ये जो मेरी बॉटल है, आप सुन सकते हो पूरी की पूरी फुल है। अगर मैं आपको दिखा पाती तो दिखाती। आई थिंक मैंने इसका सिर्फ, मैंने इसको 5 से 7 दिन यूज किया है एंड इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन पे ऐसा भयानक रिएक्शन हुआ। वैसे बेसिकली दोनों के ही वीडियो गाइस, आपको फुल डिटेल वीडियो विद लाइव क्लिप आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे कि जब मैंने इनको यूज किया था तब मेरी स्किन की हालत कैसी थी एंड आफ्टर यूज क्या इन्होंने रिएक्ट किया और कैसा रिजल्ट दिया, वो आपको उन वीडियोज में मिल जाएगा। तो डिटेल वीडियो के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये जो मेरी बॉटल है ये पूरी की पूरी फुल है, 5 से 7 दिन मैंने यूज किया और इतना भयानक मेरी स्किन की हालत हुई, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा मेरा एक्ने से भर गया था। और छोटे छोटे जो पस वाले एक्ने होते हैं ना, जो बेसिकली आपको किसी प्रोडक्ट को रिएक्ट करने के बाद होते हैं, वैसे तो जो हमारे हॉर्मोन्स या पीरियड्स के जो एक्ने होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो हमको पता चल जाता है कि क्यों है। बट अगर कोई प्रोडक्ट आपको रिएक्ट किया है तो पर्टिकुलर एक पैच पे होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा या फॉरहेड पे होंगे। तो ये जब मैं यूज कर रही थी तो 5 से 7 दिन मुझे बहुत ज्यादा एक्ने होते, रेड हो गई थी मेरी स्किन, आई डोंट नो कि क्यों हुआ। फिर मैंने इसके अच्छे से इंग्रेडिएंट लिस्ट को एक एक को सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 3 प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं और तीनों ही प्रिजर्वेटिव ऐसे थे जो सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर है परफ्यूम, तो परफ्यूम बेसिकली इसके अंदर मिड में डाला हुआ है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी। जैसे भी आप इसको यूज करोगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा परफ्यूम है। सो परफ्यूम मेरी स्किन को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स में बेसिकली इग्नोर करती हूँ यूज करना, या फिर परफ्यूम उनमें लास्ट इंग्रेडिएंट होना चाहिए उस लिस्ट में, तब मैं यूज करती हूँ। बट इसके अंदर मिड में था तो परफ्यूम ने एंड इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव थे उन्होंने मेरी स्किन की बैंड बजा दी और 5 से 7 दिन में मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया था। एंड उसके बाद 10 से 15 दिन लगे थे मेरी स्किन को फिर से नॉर्मल होने में। एंड अभी रिसेंटली आई थिंक 1-2 महीने से मैं यूज कर रही हूँ डॉक्टर शेट का ये सेंटेला एंड नियासिनामाइड सेरम। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, सेम ही इंग्रेडिएंट है, बट इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर परफ्यूम नहीं है और प्रिजर्वेटिव भी इसके अंदर जो डाले हैं वो काफी ज्यादा, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगी, आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। वैसे मैं कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी गूगल ही करती हूँ। सो इसमें जो प्रिजर्वेटिव है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, जो कि सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं। सो इसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट ना सिर्फ इसने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी स्किन को रिएक्ट नहीं किया, इनफैक्ट इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। मेरे जो मतलब चिन एरिया पे या जहाँ पे भी मेरे एक्ने स्कार्स थे या पिगमेंटेशन थी, थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन थी, उस पर भी काम किया है। सो बेसिकली नियासिनामाइड ना सिर्फ आपके पिगमेंटेशन एक्ने स्कार्स पे वर्क करता है, बल्कि आपकी स्किन को जो टेक्सचर है आपकी स्किन का, जो पोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको स्किन पे हाथ लगाते हो तो लगता है कि यार बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, उन पे भी नियासिनामाइड वर्क करता है, उनको श्रिंक करता है। सो बेसिकली दिस इज द स्टार स्टार
स्टार प्रोडक्ट ऑफ माय लाइफ। जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, और अभी भी आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया। आप देखो ये भी सिर्फ जस्ट मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है और अच्छे से मेरा स्किन केयर हुआ है मेरा। सो ये भी आप देखो, आपको मेरी स्किन नज़र आ रही होगी। सो बहुत ज़्यादा मैंने फाउंडेशन वाउंडेशन नहीं लगाया है, बट नेचुरल जो स्किन होती है, जो ग्लोई होती है, वो मुझे इससे मिली है। सो ये इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको ट्राई करना है नयासिनेमाइड, तो आप फॉर श्योर इस ब्रांड का एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। डर्मा को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। सो दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो ये बेस्ट 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 नयासिनेमाइड सेरम है अभी तक मैंने जो यूज़ किया था। वैसे मुझे मामाअर्थ का भी काफ़ी अच्छा लगा, बट अभी मैं मामाअर्थ को नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर शेड का यही यूज़ कर रही हूँ। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।